छाता थाने में 3 दिन से चक्कर लगा रहे पीड़ित, लेकिन पीड़ित की नहीं सुनी जा रही है फरियाद। छाता पुलिस को नहीं मिल पा रहा है पीड़ित की बात सुनने के लिए समय। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व एक निजी कंपनी से सुंदर जब काम से वापस लौट रहा था तो कुछ नामजद लोगों ने शराब के नशे में सुंदर के साथ मारपीट कर दी। मारपीट इस कदर की गई कि सुंदर के कई हिस्सों में अंदरूनी चोट आ गई। सुंदर जब थाने पहुंचा तो थानेदार साहब ने भी पीड़ित की एक भी ना सुनी। सुंदर का आरोप है कि नामजद लोगों द्वारा उसके साथ पहले भी मारपीट की जा चुकी है और उसकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद थाना स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क मथुरांचल में, आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं हूं छाता थाने में। यहां एक पीड़ित परिवार है जो 3 दिन से लगातार छाता थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस जाती है लेकिन वहाँ टालम टोल करके चली आती है, ये कहना है इन व्यक्तियों का। तो बात करते हैं क्या पूरा मामला है, किससे विवाद हुआ, किस कारण विवाद हुआ, तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। सुंदर कहाँ के रहने वाले हो? छाता गाँव। छाता के रहने वाले हो, तो बताएं, आप अभी बता रहे थे कि 3 दिन से हम परेशान हैं, क्या कुछ मामला है? मैं जी कंपनी से जॉब करके आ रहा था, जैनसन तिरुपति का कांटे के पास कंपनी, वहाँ से आ रहा था। मेरे साथ 2 बंदे और थे जो मेरे साथ काम करते हैं, तो वहाँ दुकान पर मैं सामान लेके रुक गया। वो वहाँ पी करके शराब पी रहा था, वो जो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, अनिल नाम है जिसका। वो किस थूक के? वो बीज का थूक है। अच्छा। हाँ जी। उससे मेरे देख के पहले काफ़ी दिन पहले भी उनको मेरे को पीटा था उन्होंने, आपके पहले भी मेरी। हाँ तो जी, वहाँ मेरी उससे लड़ाई हो गई, उसके साथ ही और आ गए 10 बजे, उसने फोन कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, 10 बजे आते ही मेरे को सबरे मारने पीटने लगे। वहाँ जनता मौजूद है, आप वहाँ सरकारी अस्पताल पशु अस्पताल है उसके सामने की जो बात घटना है ये देखिए। और ये चोटे हैं आपको? चोटे हैं बाबूजी, गुम चोटे हैं ये। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई, जो भीड़ जो जनता थी उसने मेरे को बचा लिया वहाँ से, मेरे को वहीं अपने पास छुपा लिया। बल्कि तू उधर हो, जब मैं साइड में कर दिया तो वहाँ से मैं उधर हो गया। तो मेरे घर पे जा करके, मेरे घर पे भी कोई नहीं था, मेरी लेडीज है ये रही, उसको पकड़ के जा करके खींच लिया है। घर पे ईंट बंडे डंडे बरसाए, खूब ईंट पत्थर फेंके हैं। अच्छा। हाँ जी, यानी महिला को भी खींच लिया है? महिला को पकड़ के अभद्र तरीका से खींच लिया गया है। जनता के सामने मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जनता, मेरी 10-20-50 में आपके सामने तब्दीश करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो आपने चढ़ाई की है? नहीं, कि 2 बार घर पर चढ़ाई की है मेरे। एक बार थाना यहाँ आ गए, थाना मेरे भैया पिताजी यहाँ थाना रिपोर्ट करने के लिए, बाद में पीछे से फिर उन्होंने हमला कर दिया, हम घर में बंद कर दिए। गाँव वालों ने, गाँव वालों को सारी चीज़ बताई। तो आपने फिर थाने में तहरीर दी है? तहरीर दी, रात को 12 बजे गए थे, फिर दिन में भी आए थे। कल दरोगा जी यहाँ थे नहीं, वो शाम को आ जाएंगे, वो ऐसे मतलब बोला था, तो हम कल भी आए थे। अब फिर ये झगड़ा कितने दिन पहले हुआ था? ये झगड़ा तो करवा चौथ वाले दिन है जी, यानी आज 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन, लेकिन अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। चलो दर्शकों, बात करते हैं। पुलिस गई भी है तो उन्होंने कोई वैसी कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट भी नहीं चढ़ी है, रिपोर्ट भी नहीं चढ़ी। तो बात करते हैं उस महिला से जो बताई जा रही है जिनके साथ मारपीट हुई है, तो क्या कुछ कहना है महिला का, क्या कुछ हुआ महिला के साथ? क्या नाम है आपका? रोशनी। तो रोशनी बताएं, तुम्हारे साथ किसने अभद्रता की, क्या कुछ हुआ? विशाल ने और अनिल ने ये सारे जने ठाड़े हैं कि मुझे बाहर खींच के लिए बाहर ले गए, जैसे महाभारत में युद्ध की तरह ले जा गए, द्रौपदी को ले गए, ऐसे मुझे बाहर ले गए। फिर आपके साथ मारपीट? हाँ, मारपीट भी की है, साड़ी भी फाड़ दी। हाँ, देखो ये सब। अच्छा। कान के कुंडल खींच ली, सब बाहर के समाज ने बचाई। एक कुंडल खींच लिया? हाँ, एक कुंडल खींच लिया। तो आपने यहाँ बताया दरोगा जी? हाँ, बताया। हाँ जी, आए वो पीछे कुंडल पीछे खींचा, कुंडल पीछे खींचो, फिर बताए। यहाँ कल भी आए हम, यहाँ जी कल थाने भी आए, दरोगा जी आई ना यहाँ पे आई, शाम को आने वाले एक जब इतनी देर 1-2 घंटा डट गए, पूरी रात डट गए हैं, तो 1-2 घंटा भी और डट जाए। मैडम मिली तो यानी आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ जी। तो ये महिला थी जो आपने सुना, इसके साथ जो मारपीट हुई है, अब इनकी लड़के की मम्मी है, आप आइए यहाँ बताइए क्या कुछ मामला हुआ। हम दोनों साथ। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी बताएं क्या कुछ मामला हुआ? मेरी बहू के संग मारपीट करी, एक डंडा मुंह में दे गए अनिल। अच्छा, आपके साथ? मेरे मुँह देगा एक डंडा, यहाँ देगा कमरा। फिर मैं पिटकुट के नहीं, हम दोनों मर्द भैया रिपोर्ट करवे आए गए पीछे, थे मेरे भैया फिर दोबारा से खींच लेंगे।
अच्छा खूब खींच के मारी है। मेरा छोरा मुन दिया गांव मारे घर में, वो गांव भीतर या छोरा समझा रहे हैं, वो भैया रे खींच ले गए मेरी। अब मैं घर गई हूँ तो मेरे भैया पिटी पाई है। फिर हम थाने में बहू लेके आई हूँ, मैडम मिली है यहाँ हमें जनानी पुलिस जो उन्होंने नौकर दिया, दरोगा जी आ जाएंगे जब कोई सुनाई होगी तुम घर जाओ। दरोगा जी से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं भाई नहीं है पाई। तीन दिन से दरोगा जी है नहीं यहाँ? नहीं, बाद ना तो है जो शुरू के दिन करवा चौथ के दिन रिपोर्ट करवाए थे इंचार्ज जी यहाँ ठाड़े तो तुम सुबह जाओ हम सुबह कार्रवाई करेंगे। अभी तक मैं ड्यूटी नहीं चढ़ाई रिपोर्ट पर, यानी सुबह के लिए बोल दिया, सुबह के लिए बोल दिया। फिर सुबह थे हमें मिली ना रहे, हम आम है कि हमें टरका दे यहाँ थे। यानी आज तीन दिन हो चुके, तीन दिन रह चुके और हम बिल्कुल घर ना बैठे, हम रोज आ रहे हैं। बाबू जी हम बहुत परेशान है, हमारी बहू की इज्जत गई तो हमारो काजी वो फिर बताओ हमारे भैया घर में तो किच नहीं है। नहीं महिला को क्यों खींचा घर से, इनसे क्या बात? हमारी बहू तो कब बोले हरियाणा की कब लड़ाई में, पहले भी लड़ाई भाई हमारी, पहले भी खूब जोर की लड़ाई भाई, पर मेरे भाई कोई ना बोली, कोई भाईचारे वो कह देगा इनकी बहू बोले बीच में। तो जो आपकी बहू खींची थी वो कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मारपीट की? गले 50-100 आदमी भी रह रही खूब गांव। जिन्होंने मारपीट की तुम्हारी बहू के साथ में वो कौन कौन लोग? कौन विशाल ने करी है, अनिल ने और विशाल ने खींची है दोनों ने, और साथ में तो गले ने खींची दोनों ने, अनिल ने और विशाल ने। तो करीब दो या चार कितने लोग थे? 10-12 जने वैसे संग में तो, और दारू ने पी पी के रोज गारी बके हम चुप लगा जाए। हमारे बड़ बड़े सुसर मर ये है हमारे साथ में पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पिताजी, तो इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र। विजेंद्र जी आप छाता में कौन से मोहल्ले से हो? बीच के तौर में। बीच के तौर से तो बताएं आप यहाँ थाने में सुबह से बैठे हैं, क्या कुछ मामला है आपका? मामलों का तीन दिन से ढूंढ रहे हैं जी हम बगे, रूप प्यार है, कोई पुलिस पहुंच रही ना कुछ, सुनवाई भी हैरी नहीं रखते। अब भी अभी उनके दबाव पर जाए पैसा में दमंगे और सब बात में लट्ठे में हुए सब बात है। हम मेरे तो बच्चा है, मन करे जब दांग दें वो, अब मेरी बर्तियां खींच लीजिए करते। तो आप यहाँ थाने में कब के आए? 7-8 बजे के आए, लेकिन आपकी अभी किसी अधिकारी से अभी कोई सुनवाई नहीं भैया अधिकारी से। तो तीन दिन से क्या कुछ कह रहे हैं? कछु ना कह रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं, टरका दे बस छुट्टी भी। यानी आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं पहुंच पाए लो, आंखों में आंसू भी भर लाए हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी इन पर रहम नहीं आ रहा है और तीन दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि छाता पुलिस कुछ कार्रवाई करती है या पीड़ित ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।